हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद टी वन। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और उसमें ये कमेंट था कि मैम आपने बताया नहीं है कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो 21 फरवरी 2021 जो है वो आ चुकी है। तो देखिए, मैं आपको वही न्यूज़ देती हूँ, मैं वही बताती हूँ आपको जो कि सच होता है। अभी तक तो ऐसी न्यूज़ जो है वह मैंने भी यूट्यूब पर देखी थी, लेकिन आपको सबसे पहले किसी भी न्यूज़ पर भरोसा करने से पहले आपको करना है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां जाके सबसे पहले चेक करें कि क्या जो न्यूज़ आ रही है वो सच है या फिर फेक न्यूज़ है। तो देखिए, मैंने अच्छे से चेक किया था, ऐसी कोई भी न्यूज़ अभी तक सामने नहीं आई है, कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। तो देखिए, अब एक बात ये भी है कि अगर आपकी डेट आ भी जाती है 21 फरवरी, 25 फरवरी या 1 फरवरी ही आ जाती है, आपका एग्ज़ाम तो होगा, तो आपकी तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि डेट जो है वो फरवरी में है या मार्च में है? तो इस चीज़ की चिंता जो है वो आप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फेक न्यूज़ जो है वो आती ही रहेंगी और आप परेशान अगर होंगे तो अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए आप इन न्यूज़ में ना पड़े, ठीक है? और अब मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल सटीक बात जो है वो आपको पता चलेगी। आप नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अगर आपके लिए बनाया जाता है तो वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसके अलावा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद जाकर ये चीज़ देखनी होगी कि क्या कोई न्यूज़ हमारे लिए आई है या नहीं आई है, ठीक है? एक बार काम तो आपको ये करना है। सेकंड, ये न्यूज़ आ रही है कि पंचायती राज विभाग शिक्षक भर्ती पैटर्न में चेंज करेगा। आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ी होगी। देखिए, यहाँ पर ये बात यह नहीं है कि आपका सिलेबस जो है वो चेंज होगा, सिलेबस आपका वही रहेगा। इससे पहले के वीडियो में मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी हूँ, सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। शिक्षा मंत्री ने ये बात पहले भी कह दी थी, मैं भी आपको बता रही हूँ, आगे सिलेबस से संबंधित कोई भी बदलाव नहीं होगा। एग्ज़ाम आपका केवल एक ही होगा, ये चीज़ें तो आपकी बिल्कुल स्पष्ट हैं, एक ही एग्ज़ाम होगा और सिलेबस भी वही रहेगा। तो ये पंचायती राज विभाग द्वारा कौन से पैटर्न चेंज करने की बात की जा रही है, ये उसकी बात कर रहे हैं जो आपके वेटेज से संबंधित है कि वेटेज आपका कितना होगा या नहीं होगा। इस पर अभी चर्चा बाकी है और चल भी रही है, अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ यही बात है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप पहले से करते आ रहे हैं। एक ही पेपर होगा और इसी को आपको अच्छे से क्रैक करना है और आप मेहनत करते रहिए। तो और अगर कोई भी आपको न्यूज़ जो है वो देखने को मिलती है कहीं इधर उधर से, तो उसके बाद हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि क्या जो न्यूज़ हमने देखी है वाकई में वो सही है या नहीं सही है। तो आपके जो डाउट हैं वो उसी वक्त क्लियर हो जाते हैं, आपको कहीं भी देखने की या फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।